नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे इस बार अप्रैल के महीने में वर्ष 2024 को जो कि सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, सूर्य ग्रहण कब लगेगा और यह ग्रहण जो कि कहां कहां दिखाई देगा, इसका सूतक काल का समय क्या होगा, यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा। तो आइए जानते हैं इन सब के बारे में। संपूर्ण जानकारी की प्राप्ति के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन यानी कि घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। किसी भी प्रकार का आपका प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिए। सूर्य ग्रहण विशेष खगोलीय और धार्मिक महत्व रखता है। सूर्य ग्रहण जब लगता है तब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक ही समय पर एक दूसरे के बीच से गुजरते हैं। इस वर्ष जो कि पहले सूर्य ग्रहण, पूर्ण सूर्य ग्रहण होने वाला है। पूर्ण सूर्य ग्रहण तब लगता है जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी बिल्कुल एक सीधे में होते हैं। इस ग्रहण के लगने पर सूर्य पूरी तरह से ढक जाता है और धरती जो कि अंधकार में हो जाती है। इस तरह का ग्रहण है 4 सालों में पहली बार लग रहा है और इस तरह का अगला सूर्य ग्रहण जो कि वर्ष 2044 में देखने को मिलेगा। सूर्य ग्रहण की खगोलगी ही नहीं बल्कि विशिष्ट धार्मिक महत्व भी है। ग्रहण के दौरान जो कि कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ग्रहण के दौरान जो कि मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, इस दौरान पूजा पाठ आदि का कार्य नहीं करना चाहिए। भगवान की मूर्ति आदि को स्पर्श नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए। ग्रहण के दौरान घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए। अपने साथ किसी भी नुकीली वस्तुओं को नहीं रखना चाहिए। ग्रहण के दौरान कोई भी मशीनरी का काम नहीं करना चाहिए, जैसे कि कपड़े सीने या सुई का, ये भी काम नहीं करना चाहिए। ग्रहण के दौरान जो कि भोजन नहीं करना चाहिए और ना ही पानी वगैरह, जल वगैरह, इन चीज़ों का आपको सेवन नहीं करना। इस दौरान सोना भी नहीं चाहिए। ग्रहण के दौरान जहाँ तक हो सके तो मानसिक जप का कार्य करना चाहिए और फिर ग्रहण समाप्ति के बाद गंगा स्नान करना चाहिए। उसके बाद अपने घर को गंगा जल से छिड़काव करके शुद्ध करना चाहिए। पूजा पाठ आदि का कार्य करना चाहिए। दान पुण्य का कार्य करना चाहिए। ग्रहण का प्रभाव जो कि सभी राशियों पर इसका प्रभाव पड़ता है, इस दौरान इन सभी बातों का अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए। चंद्र ग्रहण में जो कि 9 घंटे पहले सूतक लग जाता है, लेकिन सूर्य ग्रहण में जो कि 12 घंटे से ही सूतक काल आपका शुरू हो जाता है। तो आइए जानते यह ग्रहण कहां कहां लग रहा है और इसका भारत में क्या समय होगा, यह ग्रहण भारत में देखा जा सकेगा या नहीं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। इस बार वर्ष 2024 अप्रैल के महीने में चैत्र मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन सूर्य ग्रहण लग रहा है, जो कि 8 अप्रैल 2024 को लग रहा है। यह ग्रहण 8 अप्रैल की रात्रि 9:12 से शुरू होकर इसका मोक्ष जो कि रात्रि 2:22 पर होगा। यह खगरास सूर्य ग्रहण जो कि भारत में दृश्य नहीं होगा। यह ग्रहण उत्तरी अमेरिका, अलास्का को छोड़कर मध्य अमेरिका, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, पॉलिनेशियन, हवाई सहित दक्षिण प्रशांत महासागर तथा उत्तर अंटार्कटिक महासागर में दिखाई देगा। यह ग्रहण भारत में दृश्य नहीं होगा। इस कारण से इस ग्रहण का सूतक काल भी भारत में मान्य नहीं होगा। इस बार सूर्य ग्रहण जो कि 8 अप्रैल सोमवार अमावस्या के दिन लग रहा है, जो कि इस दिन सोमवती अमावस्या का व्रत भी किया जाएगा। इस कारण से इस दिन पूजन पाठ आदि का कार्य कर सकते हैं, व्रत को धारण कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ घंटी को प्रेस करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ के रिलेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करके बताइए। ओम नमः शिवाय।